आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट शाम का नाश्ता, चूरा का पुलाव, जिसे हम पोहा भी बोलते हैं। बनाना बिल्कुल सिंपल है, हमने इसे बहुत ही कम सामग्री के साथ बनाया है। समय बहुत ही कम लगा है, 5 से 7 मिनट लगेगा और आराम से बन जाएगा और टेस्टी भी होता है, तो देर किस बात की। चलिए इस चूरा से पुलाव बनाना शुरू करते हैं। चूरा का पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है लगभग 150 ग्राम चूरा। उसके साथ साथ यहाँ पे हमने प्याज को काट लिया है स्लाइसेज में, और साथ में हमने नींबू कटा हुआ लिया है। उसके साथ यहाँ पे हमने लहसुन और अदरक को बारीक काट लिया है, और साथ में कुछ तेज़पत्ता लिया है। चूरा का पुलाव या फिर पोहा बनाने के लिए हमें बेसिकली चूरा को भिगोना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लेते हैं सबसे पहले 2 कटोरा पानी। पानी इसमें हम डाल देते हैं। आप देखते होंगे कि चूरा का पुलाव बनाने के लिए चूरा को फूलने के लिए लगभग 3 से 4 मिनट रखा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रखने वाले। बस सिंपली चूरा को करेंगे क्या, इसमें भिगो के और इसे जो है छान के हम निकालेंगे। बस इसे जो है भिगना ज़रूरी है और बस उतना ही काफ़ी है। तो चलिए सबसे पहले इस प्लेट में छान के हम निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पे चूरा को छान के निकाल लिया है और ये आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे जो हम रखते हैं साइड में, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे हमने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें डाल देते हैं सरसों तेल। हम इसमें सरसों तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तेल गर्म हो चुका है। इसमें डाल देते हैं सबसे पहले 1/2 छोटी चम्मच सौंफ, उसके साथ साथ इसमें डाल देते हैं जीरा 1/2 छोटी चम्मच, और इन्हें जो है भुनेंगे। साथ में थोड़ा सा मिर्ची डाल देते हैं, हमने यहाँ पे 2 मिर्च का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे इन दोनों को पकने देते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये तेज़पत्ता, ये भी साथ में जो है पक जाएंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक जो है हमें इन्हें पकाना है, और जैसा कि आप देख सकते हैं जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें जो है हम और भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे। बीच बीच में जो है हमें इन्हें चलाते रहना है ताकि जो है ये पूरे दोनों तरफ से पक जाए। तो ये गोल्डन ब्राउन कुछ इस प्रकार से हो चुके हैं। तो चलिए इसमें हम डालते हैं ये लहसुन और साथ में जो है अदरक जो हमने बारीक काट लिया था। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे गैस का जो फ्लेम है आपको लो मीडियम पे रखना है, हाई नहीं रखना है, नहीं तो जल जाए, और ज़्यादा इन्हें नहीं पकाना है। बस 15 से 20 सेकंड पकाना है। अब उसके साथ हम इसमें डाल देते हैं प्याज जो हमने स्लाइसेज में काटा था, और इन्हें भी जो है हमें बस ट्रांसलूसेंट ब्राउन होने तक पकाना है। तो प्याज हमने डाल दिया है और इन्हें जो है हम चला लेते हैं अच्छे तरीके से। 30 सेकंड मैक्सिमम लगेंगे आपको इन्हें पकाने में। तो प्याज हो चुकी है, पक चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं ये चूरा जो हमने पानी में इसे भिगो के छान लिया था, और इन्हें जो है हम चला देते हैं। यहाँ पे गैस का जो फ्लेम है आपको मीडियम से थोड़ा सा हाई कर देना है, और इन्हें अच्छे तरीके से हम मिला लेते हैं। यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। आप अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाला है, और इसके साथ हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच से भी थोड़ा कम चीनी, और इन्हें जो है हम मिला देंगे। चीनी डालने से जो है इसका फ्लेवर जो है वो डिफरेंट टाइप का जो खुलता है, तो चीनी डालना जो है यहाँ पे ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसे जो है स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चला देते हैं इसे, और इसमें डाल देते हैं 1/2 छोटी चम्मच पास्ता मसाला। इससे टेस्ट जो है काफ़ी बढ़िया हो जाता है। आपके घर में है तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। यहाँ पे सिंपली हम डाल देंगे गरम मसाला 1/2 चम्मच। यहाँ पे हम डाल देंगे इसके साथ साथ नमक। यहाँ पे गरम मसाला और जो पास्ता मसाला है उनको दोनों कंबाइन करके हमने 1 चम्मच बनाया, और उसके अनुसार जो है हम इसमें डालेंगे। मुझे ज़्यादा गर्म मसाला इस पोहे में पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कम इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम जो है रोस्टेड बादाम डाल देते हैं। इसकी जगह पे आप हरी मटर भी डाल सकते हैं अगर आपके यहाँ अवेलेबल हो तो। आप इसे जो है सब्जियों के साथ भी पोहा को बना सकते हैं, वो और ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन यहाँ पे जो है हम सिंपल तरीके से पोहा बना रहे हैं, तो इसमें जो है बहुत सिंपल सामग्री का हमने इस्तेमाल किया है। तो कुछ इस तरीके से हमारा पोहा तैयार हो चुका है, और टाइम बता दूँ तो 7 मिनट लग चुके हैं। तो चलिए इन्हें सर्विंग के प्रोसेस में ले चलते हैं। तो यहाँ पर डाल देते हैं इस चम्मच से इसमें पोहा कुछ इस प्रकार से, और सारे पोहे को जो है इस कढ़ाई से हम इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। कलर भी काफ़ी खूबसूरत आई है जैसा कि आप देख सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी बना है। मैंने इसे टेस्ट किया तो मुझे तो टेस्टी लगा। अब आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस रेसिपी को आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अगर आप एक शाम का नाश्ता नया बनाना चाहते हैं सिंपल तरीके से। टाइम भी बहुत कम लगता है और आसान भी है, कोई भी लोग जो है इसे बना सकते हैं। कैसी लगी यह वीडियो मुझे इसके बारे में भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करना ना भूलें। इस चैनल पर नहीं आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन होगा उसे ऑल प्रेस करना ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।